वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स विद आयशा। और आज हम करने वाले हैं अपनी थर्ड पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग। एज यू कैन सी, ये राजस्थानी स्कूल की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेंटर नूरुद्दीन, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, बेसिकली टेम्परा ऑन पेपर ही होगा क्योंकि राजस्थानी स्कूल में सारी पेंटिंग्स टेम्परा पे बनी है। सिरका 1683 AD, सब स्कूल बीकानेर, टेक्निक टेम्परा एंड कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो सब्जेक्ट मैटर इज द पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग इज येट अनदर मार्वलस अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड, मीन्स राजस्थानी पीरियड। दिस पेंटिंग हैज़ टू पैनल्स डिपेक्टिंग राधा एंड कृष्णा इन टू डिफरेंट सीन्स। आप देख सकते हैं ये पेंटिंग बेसिकली दो पैनल्स में डिवाइड की गई है और राधा और कृष्णा बैठे हुए हैं। कंपोजिशनल अरेंजमेंट, दिस पेंटिंग हैज़ टू पैनल्स डिपेक्टिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीन्स। ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ पैनल कृष्णा इज शोन सिटिंग ऑन स्विंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ पैनल। लेफ्ट साइड, अपर लेफ्ट साइड पैनल पे कृष्णा जी बैठे हुए हैं। एक स्विंग है हेक्सागोनल शेप का, उस पर ये बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने हेड पे टियारा मतलब मुकुट पहना हुआ है जो कि पर्ल से बनी हुई है और उनका जो अपर बॉडी है वो सेमी नेकेड है विथ वाइट फ्लावर गार्लैंड इन अराउंड हिज नेक। और देर इज़ अ रुपट्टा हैंगिंग ऑन हिज शोल्डर। आप देख सकते हैं एक येलो कलर का रुपट्टा उनके शोल्डर पे लटक रहा है। और उन्होंने अपर पैनल में ऑरेंज कलर की धोती पहनी हुई है। द ब्लू कॉम्प्लेक्शन ऑफ हिज बॉडी हैज़ बीन हाईलाइटेड। बेसिकली जितनी भी पेंटिंग है सब में कृष्ण जी को ब्लू कलर से ही शो किया गया है सिम्बॉलिकली। द स्विंग हैज़ ऑर्नामेंटल बॉर्डर, जो स्विंग है उसे भी बहुत इन्होंने हाईली ऑर्नामेंटल बॉर्डर से डेकोरेट करा हुआ है। स्विंग जो है वो हेक्सागोनल शेप का है। राधा इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके जस्ट सामने राधा जी बैठी हुई हैं। वो एक ओपन बालकनी में बैठी हुई हैं। दे बोथ आर लुकिंग एट ईच अदर, हर हेड इज़ कवर्ड विथ ट्रांसपेरेंट ओढ़नी। उन्होंने घाघरा चोली और ट्रांसपेरेंट ओढ़नी पहनी हुई है। शी इज सिटिंग ऑन अ रेड कारपेट, वो एक रेड कलर के कारपेट पर बैठी हुई हैं। देर इज़ अ पिलर सपोर्टिंग द बैक ऑफ राधा एंड कृष्णा, एक पिलर है जो कि राधा और कृष्ण जी को सपोर्ट कर रहा है बैक को। दिस इज़ अपर पैनल, हमने अब अपर पैनल पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। अब बात आती है लोअर पैनल की। इन द लोअर पैनल बोथ राधा एंड कृष्णा आर सिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेज। एज यू कैन सी, ये कृष्ण जी हैं और ये राधा जी हैं, ये अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं अंडर द ट्री। ये ट्रीज शो किए हुए हैं, ओपन गार्डन का सीन है ये। एन अटेंडेंट ऑफ राधा इज ऑल्सो शोन इन द पेंटिंग, राधा जी की एक अटेंडेंट भी शो की हुई है पेंटिंग में। शी हैज़ परहैप्स बॉट अ मैसेज फॉर कृष्णा, वो कृष्ण जी के लिए मैसेज लाई हैं कुछ। और हेयर अगेन कृष्णा इज़ वेयरिंग टियारा, कृष्ण जी फिर से नीचे लोअर पैनल में भी उन्होंने वाइट कलर का टियारा पहन रखा है और गार्लैंड अराउंड हिज नेक, बट दिस टाइम उन्होंने येलो कलर की धोती पहन रखी है। अपर पैनल में उन्होंने ऑरेंज कलर की पहनी है और लोअर पैनल में येलो कलर की धोती पहनी हुई है। जो अटेंडेंट है उन्होंने एक पर्पल कलर का स्ट्रिप, पर्पल कलर का घाघरा पहना हुआ है और चोली है और ट्रांसपेरेंट दुपट्टा है। द ट्रीज एंड माउंट्स आर ऑल्सो शोन इन द लोअर पैनल। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली और हाईली ऑर्नामेंटेड ट्रीज, उनके लीव शो किए गए हैं और एक माउंट मतलब छोटा सा पहाड़ भी शो किया हुआ है। द लीव्स ऑन द ट्री आर क्लस्टर ऑफ रिपीटिंग पैटर्न्स, ये कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। ईच लीव ऑफ द ट्री रिवील्स द आर्टिस्ट डिलाइट इन रेंडरिंग डिटेल्स, आर्टिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से ट्रीज के लीव्स को दिखाई हुई है। द माउंट्स आर शोन इन टिपिकल राजस्थानी स्टाइल, जो पहाड़ है वो एक टिपिकल राजस्थानी स्टाइल में शो की गई है। कलर स्कीम, द कलर्स यूज इन दिस पेंटिंग आर ब्राइट एंड एलिगेंट, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और एलिगेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं इस पेंटिंग में, जैसे कि रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।